22 जनवरी को सिर्फ नफरत नफरत में पूरे पाकिस्तान ने रामलला के दर्शन किए। वैसे कई पाकिस्तानियों को रामलला का इंतजार जरूर होगा, आखिर सबके पूर्वज थे तो हिंदू ही। लेकिन बाबर को अपना मसीहा मानने वाली पाकिस्तान की सरकार ने अयोध्या राम मंदिर पर बयान देते हुए एक भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि अयोध्या के बाद अब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़ने की तैयारी हो रही है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान तो पाकिस्तान जैसा घटिया देश ही दे सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि जो हरकत वो करता है वो भारत भी करेगा। पाकिस्तान तो रोज ही मंदिरों पर हमला करता है, मंदिरों को तोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने काशी और मथुरा के नाम पर भारत के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है। वैसे पाकिस्तान की ये बात बिल्कुल सच है कि काशी और मथुरा को लेकर भारत में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है और पूरी शांति के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ रहा है, यानी पाकिस्तान के मुताबिक भारत में सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी जाती है। अगर भारत में मेजॉरिटी की सुनी जाती तो सालों तक सुप्रीम कोर्ट में रामलला का केस नहीं चलता। भारत में अगर सिर्फ मेजॉरिटी की ही सुनी जाती तो आजादी के बाद धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनता ही नहीं। भारत में अगर मेजॉरिटी की सुनी जाती तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। भारत में अगर मेजॉरिटी की सुनी जाती तो धारा 370 दशकों पहले हटाई जा चुकी होती। भारत में अगर मेजॉरिटी की सुनी जाती तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का क्या होता। तो ऐसे में बहुसंख्यकवाद का ज्ञान पाकिस्तान अपने पास ही रखे। बहुसंख्यकवाद और गुंडागर्दी क्या होती है वो पाकिस्तान को हम बताते हैं। तुर्की ने खुलेआम हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बना दिया था, उसके एक महीने बाद चोरा नाम के एक और बड़े चर्च को तुर्की में मस्जिद बना दिया गया। ये होती है अकड़ और बहुसंख्यकवाद। पाकिस्तान ने तुर्की के इस कदम पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए आज भी इस देश में सेक्युलरिज्म जिंदा है।